चुनावी मौसम में राजनेता स्थानीय लोगों को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए चक्कर में स्थानीय लोगों को शराब परोसने से भी गुरेज नहीं करते। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने कमर कसी है। यही नहीं, विभाग ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले और दूसरे राज्यों से अवैध शराब निर्यात को रोकने के लिए भी हरिद्वार जिले में 5 टीमों का गठन भी किया है।